डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। आपको पता होगा जैसे कि अभी हम लोग क्लास टेंथ में एक बायोलॉजी के चैप्टर को शुरुआत किए हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और हम लोगों ने पिछले क्लास में जैव प्रक्रम के बारे में कुछ चीजों को सीखा था और उसके नीचे के जो क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चन को भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, चलिए आइए आगे हम लोग चलते हैं। एनसीईआरटी के बीच में जो प्रश्न होते हैं उनको करने के बाद फिर एक टॉपिक दिया जाए जिसका नाम है पोषण। तो अब हम लोग टॉपिक देते हैं यहाँ पे पोषण के बारे में। ठीक है, तो हम लोग लिखा जाए पोषण। अब जरा पोषण क्या है इसके बारे में चूंकि हम लोग सीखे हुए हैं, पहले भी जाने हुए हैं, लेकिन आज हम लोग डीपली सीखेंगे कि पोषण क्या है और ये किसी जीव के लिए कैसे कार्यशील होता है। अलग अलग जीव के लिए अलग अलग पोषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एरो देंगे, इसमें पोषण के नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए वृद्धि वृद्धि कौमा विकास कौमा प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें, फिर से मिलाइएगा फर्स्ट एरो में, वृद्धि कौमा विकास कौमा प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से पदार्थों की आवश्यकता होती है। बाहर से पदार्थों की आवश्यकता होती है, पूर्ण विराम, यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं, ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है और इसे ही पोषण कहा जाता है। वह भोजन है और इसे ही पोषण कहा जाता है। चलिए, अब पोषण का मतलब क्या होता है ये देखिए। ये सभी जीव के लिए लागू होता है। जैसे मान लिया हम लोग हैं आदि मानव जीव है, वही नहीं एनिमल या फिर प्लांट पेड़ पौधे या जानवर एनिमल, सभी जीवों में अपने आप को वृद्धि करने का एक आवश्यकता होना जरूरी है। यानी कि अपने आप को वृद्धि करना, ठीक है, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करना जो उसके अंदर की क्रिया होती है, तो इन सभी क्रियाओं को करने के लिए सभी जीव अपने शरीर के बाहर से कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ कच्ची सामग्रियां लेते हैं, जैसे भोजन पोषण जिसको बोलते हैं। तो जो हम लोग चीज बाहर से अपने जीवों में अपने शरीर में वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए जो चीजें बाहर से लेते हैं हर जीव, कोई भी जीव, तो वह एक भोजन का नाम दे दिया जाता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, भोजन। अब वह भोजन जो हम खाते हैं, अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग भोजन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग दाल रोटी चावल खाते हैं सभी जीव दाल रोटी चावल खाते हैं, ऐसा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब कि जो जीव अपने शरीर के बाहर से भोजन के तौर पे अपने जीवों में अपनी शरीर में अपनी कोशिकाओं ऊतक में वृद्धि करने के लिए जो चीज बाहर से लेते हैं उसको हम लोग भोजन का रूप दे देते हैं और यही भोजन पोषण कहलाता है। ठीक है, तो बाकी सब समझ रहे हैं कि पोषण क्या है। अब नेक्स्ट एरो दिया जाए पोषण के नीचे, सेकेंड एरो लिखेंगे सभी जीवों में
ऊर्जा तथा पोषण की सभी जीवों में ऊर्जा तथा पोषण की आवश्यकता समान है, आवश्यकता समान है, परंतु इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होता है, इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होता है। जैसे जैसे कुछ जीव स्वयं पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ जीव अपने भोजन के निर्धारण के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, चलिए पोषण के जो सेकेंड पार्ट्स में लिखे दोस्तों उसको बात समझिएगा। जो हम लिखे क्या कि दुनिया के सभी जीव हैं सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता है। ये हम लोगों को सभी में समान मिलेगा, चाहे हम हैं, चाहे एनिमल है, चाहे प्लांट है, सबको अपने शरीर के ग्रोथ के लिए यानी कि वृद्धि के लिए, विकास के लिए सबको ऊर्जा की आवश्यकता है, ये तो पक्की बात है। अब उस ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी जीवों में अलग अलग विधियों से पोषण की क्रिया होती है। आपको पता है जैसे हम लोग अपना भोजन, अपना पोषण दाल रोटी चावल से करते हैं। अब वो दाल रोटी चावल अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना भोजन नहीं कर सकते हैं, हम लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग दाल रोटी चावल पर ही निर्भर है। लेकिन दाल रोटी चावल का जो निर्माण होता है एक पेड़ पौधे से होता है, जो वो खुद पे स्वयं पर निर्भर होते हैं, वो किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होते। तो यहाँ पे एक सबसे इंपोर्टेंट बात समझ में आ रही है, वो कौन सी इंपोर्टेंट बात कि सभी जीवों के लिए भोजन करना तो जरूरी है, चाहे हम हैं, चाहे कोई जानवर ही क्यों ना हो जो उसका भोजन मांस है, शेर है, बाघ है, चीता है, लोमड़ी है, उसका भोजन क्या है? उसका भोजन मांस है, किसी दूसरे जीव को पकड़कर खाता है। तो कहने का मेरा मतलब आखिर वो तो भोजन कर रहा है ना, अपनी ऊर्जा को यूज करने के लिए, उपयोग के लिए वो क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। अब वो अपनी ऊर्जा को भोजन कर रहा है अपनी ऊर्जा को लाने के लिए। तो यहां से तो एक वो कॉमन पॉइंट हुआ कि सभी जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता है, सभी जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता बिल्कुल समान है। जैसे हमको ऊर्जा की चाहिए जरूरत, सभी जीवों की ऊर्जा की आवश्यकता है, चाहे वो पेड़ पौधे का हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई मानव हो, तो सबको ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन उस ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम सभी जीव अपना अलग अलग विभिन्न विभिन्न अलग अलग विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्या है, तो हम लोग प्रयोग करते हैं किसी दूसरे पे आश्रित हैं, जैसे कि पेड़ पौधे पे। अगर पेड़ पौधे ना हो भोजन हम लोग का नहीं चलेगा, यानी कि हम लोग का दाल रोटी चावल बन। अगर हम लोग कोई मांसाहारी जीव को ले लें, तो अगर मान लिया कि कोई उसके नीचे वाले जीव को खाता है तो वो भी किस पर निर्भर है। तो हम लोग इस श्रृंखला चयन को भी पढ़े हुए हैं कि जो किसी दूसरे पे आश्रित रहता है। तो यहाँ पे हम लोग यही पढ़े कि सभी जीवों में जो होती है भोजन की आवश्यकता सबको है, लेकिन भोजन करने का तरीका सबको अलग अलग है। कुछ स्वयं पर निर्भर रहते हैं जैसे कि पेड़ पौधे, उनको किसी पर निर्भर रहने का जरूरत नहीं होता। लेकिन हम लोग कि उन्हीं पे निर्भर है, तो हम लोग बोलेंगे कि अपना भोजन बनाने के लिए हम लोग किसी दूसरे जीव पर निर्भर है, जैसे पेड़ पौधे, है ना। चलिए तो ये पोषण का दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़े। हालांकि पोषण का डेफिनेशन का बात करें तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं,
पोषण का डेफिनेशन पहले भी पढ़ा हुआ। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि पोषण के प्रकार कितने हैं। पोषण के प्रकार तो पोषण के प्रकार का अगर बात किया जाए तो पोषण के मोस्टली इंपोर्टेंट दो टाइप्स हैं, दो प्रकार हैं। तो उसके नीचे लिखा जाए पोषण के मुख्यतः दो प्रकार हैं। पहला का नाम है दोस्तों स्वपोषी पोषण। दो प्रकार हैं, उसके नीचे लिखिएगा पहला स्वपोषी पोषण, ठीक है, और दूसरा में लिखेंगे विषमपोषी पोषण। और नाम से पता चल रहा है पोषण का मतलब भोजन, सिंपल, पोषण का मतलब भोजन। अब अगर वो खुद स्वयं का मतलब होता है खुद, आप पढ़े होंगे एक वर्ड स्वावलंबी का मतलब अपना काम खुद से ही करना, जैसे अपना कपड़ा साफ करना, अपनी जो भी जरूरत की चीजें होती है वो खुद से पूरा करना, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना काम के लिए। तो दूसरी बात स्वपोषी पोषण का मतलब क्या हुआ, पोषण का मतलब भोजन। अगर वो स्वयं पर आश्रित रहता है यानी खुद पे ही आश्रित रहकर अपना भोजन का निर्धारण करता है वो क्या कहलाता है, स्वपोषी। लेकिन विषम पोषी का मतलब क्या है, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी भोजन, वह भोजन वह पोषण है जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है, ठीक है, किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। जैसे हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे, तो हम लोग विषम पोषी पोषण में आएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पोषण के दो टाइप्स स्वपोषी और विषमपोषी। हम लोग दोनों के बारे में अलग अलग डीपली नॉलेज लेंगे, अलग अलग चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग टॉपिक बनाएंगे स्वपोषी पोषण। अब हम लोग का मेन पॉइंट क्या है, स्वपोषी पोषण, इसको हम लोग टॉपिक्स बनाएंगे और इसके नीचे एरो देंगे। फर्स्ट एरो लिखा जाए स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा होता है। देखिए, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वपोषी का मतलब क्या हम लोग सीखें कि अपना भोजन खुद बनाता है, तो अपना भोजन खुद बनाने के लिए भी जरूरत है, क्या जरूरत है, तो उनको प्रकाश जरूरत है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि स्वपोषी जीव के लिए जो अपना पोषण है या फिर इनको जो जरूरत होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रकाश की किरणें, प्रकाश किरणें जरूरत होती है। दोस्तों प्रकाश किरणें अब क्या है, तो प्रकाश किरणें अब रहा बात क्या, आप ये भी बोल सकते हैं कि सर वो भी तो हुआ ना प्रकाश किरणों पर निर्भर, तो आप जानते हैं प्रकाश की किरणें, प्रकाश क्या है, यह अमर है, ये कभी नहीं मिट सकता है, ये प्राकृतिक है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, सन का लाइट जो है खत्म ही नहीं हो सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब अगला अमर है तो उस पर जीने वाला जीव भी तो अमर हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको अमर होने नहीं देते, हम लोग पेड़ पौधों को काट देते हैं, तो सिवाय उसको हम लोग खुद पे हम लोग को उसको इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे थे कि कोई भी स्वपोषी जीव में कार्बन तथा ऊर्जा की जो आवश्यकता होता है वो किसके द्वारा पूरा होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण का नाम पहले पढ़े होंगे आपको आप कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही
पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। हम लोग ये भी सीखेंगे कि आखिर भोजन कैसे बनाते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि जो स्वपोषी पोषण करते हैं जीव, उन जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता के लिए, ऊर्जा लाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो। नेक्स्ट एरो में स्वपोषी पोषण वह प्रक्रम है, स्वपोषी पोषण वह प्रक्रम है जो जो बाहर से लिए गए पदार्थों को जो बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है, ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। चलिए अभी हम लोग क्या पढ़े कि जो स्वपोषी पोषण है ऐसा प्रक्रम है जो बाहर से लिया गया पदार्थ को ऊर्जा को संचित करता है। ऊर्जा को संचित करता है का मतलब क्या है, ऊर्जा को स्टोर करता है। यानी हम ये बोले कि स्वपोषी पोषण एक ऐसा प्रक्रम है जो बाहर से लिया गया पदार्थ से जो ऊर्जा प्राप्त हुआ उस ऊर्जा को स्टोर करता है, उस ऊर्जा को इकट्ठा करता है, समय आने पर उस ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। सेम हम लोगों के जैसे, हम लोगों में भी, मानवों में भी, मानव जीवों में भी, हम लोग जो भी पदार्थ खाते हैं, ठीक है, हम लोग जो भी पदार्थ खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो भी तुरंत पदार्थ खाते हैं उससे हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाता है और तुरंत हम लोग बोल रहे होते हैं। तो ये सब जितना भी हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, तो सब में ऊर्जा की आवश्यकता है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो जो भोजन करते हैं ना, तो वो भोजन से प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में स्टोर होता है, उस भंडारण होता है ऊर्जा का। जब हमें काम होता है हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते रहते हैं, और दिन प्रतिदिन क्या होता है, दिन प्रतिदिन हम लोग भोजन लेते हैं, उसमें पाचन होता है, ऊर्जा का भंडारण में जाता है, भंडारण वाले जहां पे भी ऊर्जा स्टोर होता है हमारे शरीर में वहां पे ऊर्जा जाता है, और फिर हम लोग बोलने में खर्चा कर लेते हैं, दौड़ने में, बातें करने में, किसी दूसरे से लड़ाई करने में, सब कुछ करने में अपना ऊर्जा जो है खत्म करते हैं। तो भंडारण से ऊर्जा खत्म होते रहता है, सिवाय अब उसको भरने के लिए आपको क्या चाहिए, भोजन। तो सेम मानव जीवों में हम लोगों के लिए अपना बात कर रहे हैं, हमारे शरीर में एक सिस्टम है ग्लाइकोजेन, नाम सुनिए क्या है, ग्लाइकोजेन। दोस्तों यही एक ऐसा स्टोर वाला रूम है, जैसे आपके लिए होगा ना घर में, ये स्टडी रूम है, ये किचन रूम है, ये बेडरूम है, सबका अलग अलग काम है, सब में आप समझ जाते हैं उसके नाम से क्या होने वाला है। वैसे ही दोस्तों हमारे शरीर में एक ग्लाइकोजेन नामक घर होता है, हाउस होता है, जिसमें ऊर्जा भरा पड़ा रहता है। यानी कि जो भी चीजें हम लोग खाते हैं अंदर रासायनिक अभिक्रिया होता है, उपचयन अपचयन करने के बाद, पचने उचने के बाद भोजन, वो क्या हो जाता है, उससे जो ऊर्जा मिलता है यही ग्लाइकोजेन एक बैग होता है, उसमें ऊर्जा आते रहता है, और एक तरफ आने वाला रहता है और एक तरफ उसका खर्च करने वाली नली होती है जिसमें हम लोग उसका इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर सिवाय भोजन करते हैं। अगर आप भोजन नहीं करें, अगर आप एक दो दिन तक भूखे रहे, फिर आप क्या महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं, लगता है बोल ही नहीं निकल पा रहा, दौड़ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि उतना ऊर्जा चाहिए और आप उसमें ऊर्जा भर नहीं रहे हैं, सिर्फ आप खर्च कर रहे हैं। तो ध्यान रहे हम लोगों में एक ग्लाइकोजेन एक बैग होता है जिसमें ऊर्जा का भंडारण होता है और उस ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। सेम प्लांट्स में भी ऊर्जा को स्टोर किया जाता है दोस्तों, ऊर्जा को रखा जाता है, ठीक है। अब रहा बात की सर उसका नाम क्या होगा जो पेड़ पौधों में ऊर्जा को रखता है, हम लोग उसका भी नाम पढ़ेंगे।
चलिए तो अभी हम लोग क्या पढ़े, हम लोग यही पढ़े कि स्वपोषी पोषण वह प्रक्रम है जो क्या करे, बाहर से लिया गया जो पदार्थ है या फिर भोजन भी बोल सकते हैं, उससे प्राप्त ऊर्जा को क्या करता है, संचित करता है। संचित का मतलब स्टोर करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो रिएक्शन होती है वो कैसा रिएक्शन होती है। तो जैसा कि आपको पता होगा हम लोगों के लिए आपको पता होगा हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग जैसे ऑक्सीजन लेते हैं अपने जीवन को, जीव प्रक्रम को जारी रखने के लिए, वैसे ही पेड़ पौधे उनकी जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरत है, होनी जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दैट मीन्स CO2, और वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए, यानी कि उसको पानी चाहिए। किसी भी पेड़ पौधों के लिए या स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि जल, जो पेड़ पौधे जड़ द्वारा खींचते हैं जल। ठीक है, और दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश किरणें जिसको बोल सकते हैं, प्रकाश किरणें बोल सकते हैं या फिर इसको क्लोरोफिल बोल सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल। तो यहां पे हम देख पा रहे होंगे कि प्रकाश किरणें या फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो हम लोगों का निर्माण होता है वो किसका किसका निर्माण होता है, जरा देख लेते हैं। तो ग्लूकोज जिसका फार्मूला होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर का कुछ कण। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे एक स्वपोषी पोषण में, स्वपोषी पोषण में होने वाला रासायनिक अभिक्रिया को दिखाया गया है कि किसी भी पेड़ पौधों के लिए क्या जरूरत है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। यह जब कार्बन डाइऑक्साइड जल प्राप्त करता है अपने जड़ों के द्वारा, तो क्लोरोफिल या फिर प्रकाश किरणों की उपस्थिति में उसमें अभिक्रिया होता है, और अभिक्रिया करकर ये हमें क्या है, ग्लूकोज बनाता है। और यही दोस्त ये जो ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज बनाया यही ऊर्जा के रूप में पेड़ पौधों के लिए काम किया, ये जो ऑक्सीजन दिया, ये जो ऑक्सीजन दिया ये हम लोगों के लिए होता है। पता है ना, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पता है ना, यही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, जड़ें खींचते हैं जड़ों से वाटर, और फिर अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज का मतलब यही ग्लूकोज उनको ऊर्जा देती है, पेड़ पौधों में वृद्धि होती है, समझ में आ रहा है। और ये ऑक्सीजन देता है जिसका इस्तेमाल हम लोग खुद करते हैं। ठीक है, और बाकी ये वाटर भी देता है। तो आप बोलोगे सर वाटर का मतलब क्या है, तो जी हाँ भाई, इसमें जो प्रोडक्ट के रूप में वाटर भी छोड़ता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, ये बहुत कम मात्रा में होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब इस समीकरण को जरा संतुलित कर लेते हैं। यहाँ कार्बन कितना है भाई, 6 कार्बन है, यहाँ कार्बन तो अकेला है, हम आपको पढ़ा है ना समीकरण करने के लिए, संतुलित करने के लिए, कार्बन यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, 6 से गुना कर दिया तो कार्बन तो हो गया 6, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 6 × 12 ऑक्सीजन और 1 13 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, 2 8 ऑक्सीजन और 1 9 ऑक्सीजन। तो जरा हम बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है इधर, 12 और 2 14 हाइड्रोजन है। तो ऐसा करते हैं इसको 12 से गुना कर देते हैं, हाइड्रोजन कितना हो गया 24, अब इसको हम लोग 6 से गुना कर देते हैं, तो 6 × 12 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन, टोटल हो गया हम लोगों को 24 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इधर से 12 और 12, ऑक्सीजन भी हम लोगों को 24 हो गया, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन 6 6 12, इसको 6 से गुना कर देंगे
इस तरीके से सब चीज बराबर हो गया। देख लो भाई, फिर से मिला लेते हैं हम लोग। कार्बन कितना? 6। यहां भी कार्बन 6, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन इधर 6 × 12 = 12 ऑक्सीजन, और यहां पे 12 ऑक्सीजन, तो 12 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन टोटल लेके 24 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 6, 6 × 12 = 12 और 6 = 18, 18 और 6 = 24। तो यहां पे भी ऑक्सीजन 24 हो गया। अब यहां पे बात करते हैं तो हाइड्रोजन टोटल कितना है? 24 हाइड्रोजन है, 12 × 24। यहां पे हाइड्रोजन 12 और यहां पे भी 12, तो 12 × 12 = 24। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया है जो स्वपोषी पोषण में होता है, जो एक पेड़ पौधों के लिए होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक नोट में बात करके लिखा जाए, नोट में लिखा जाए। आपको पता होना चाहिए कि जो पेड़ पौधों में ये अभिक्रिया के दौरान होता है ना, ये ग्लूकोज बनता है, यही उनको ऊर्जा देता है, ठीक है। अब हम लोग नोट में करके लिखेंगे, हमारे द्वारा खाया गया भोजन से प्राप्त कुछ ऊर्जा का भाग हमारे शरीर के ग्लाइकोजन में संचित रहता है। ध्यान दीजिएगा इन बातों को। यहां पे यही लिखा गया है कि जिस तरीके से पेड़ पौधों में ऊर्जा स्टोर किया हुआ रहता है, मानवों में भी, हम लोगों के द्वारा भी खाया गया जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा होता है, उसको भी हम लोगों को ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में वह ऊर्जा स्टोर रहता है, एकत्रित रहता है, ठीक है। चलिए अब जब ग्लाइकोजन का हो गया, फिर नोट का इसको फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा। अब नोट में ही सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, नोट का इसको फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा, जो ग्लाइकोजन वाला लिखे हैं, नोट का इसको सेकेंड पॉइंट बनाकर लिखेंगे। पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल के कारण, यहां पे लिखा हुआ है क्लोरोफिल के कारण हरी होती है। देखिए, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती है उसका हरा रंग होता है, तो हरा रंग किसके कारण से होता है? तो हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो हरे रंग का होती है, क्यों? क्योंकि उसकी उसमें क्लोरोफिल होता है, यानी कि प्रकाश की किरणों के कारण क्लोरोफिल ऑटोमेटिक आ जाती है, और वो क्लोरोफिल जो स्टोर रहता है वो क्लोरोप्लास्ट में स्टोर रहता है। और क्लोरोप्लास्ट किसको कहते हैं? तो पेड़ पौधों की पत्तियों में हरी हरी रंग की, जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना पेड़ पौधों की पत्तियों को, तो वहां पे आपको हरा हरा बिंदु दिखाई देगा पत्तियों में, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वह हरा बिंदु को जो दिखाई देगा उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नोट्स में दो पॉइंट्स लिखे हैं, एक ग्लाइकोजन वाला बात कि हमारे शरीर में भी ऊर्जा स्टोर रहता है वो ग्लाइकोजन में स्टोर रहता है, और दूसरा कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां हरी होती है वो किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही हम लोग सीखते हैं,
और फिर अगले क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।